काम की अनुभूति कैसी होती है, पहचान है। प्रेम की अनुभूति कैसी होती है, पहचान है। लेकिन भक्ति की अनुभूति कैसी होती है, ईश्वर की अनुभूति कैसी होती है, इसकी पहचान कैसे हो? बड़ा सुंदर प्रश्न है तुम्हारा। तुम मन के पार उठकर आत्मा को स्वीकार करो, उसके परे देखने की कोशिश करो, तो तुम्हें भक्ति रस के वो अनंत झरने बहते हुए दिखाई देंगे, गिरते हुए दिखाई देंगे तुम्हारे ऊपर। ज्यादातर लोगों को सिर्फ काम की ही अनुभूति होती है, उन्हें प्रेम की भी अनुभूति नहीं हो पाती। थोड़े से लोगों को प्रेम की अनुभूति होती है और बहुत बिरले लोगों को भक्ति की अनुभूति होती है। भक्ति काम वासना का अमूल रूपांतरण है। प्रेम में काम वासना थोड़ी सी बदलती है, बहुत थोड़ी सी बदलती है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता, थोड़ी बदलाहट होती है। लेकिन काम का भक्ति अमूल परिवर्तन है। लेकिन प्रेम में जाने के बाद आप दोबारा काम में फिर से गिर जाते हो, लेकिन भक्ति में जाने पर अमूल बदलाहट होती है, वहाँ जड़ों तक बदलाहट हो जाती है, फिर गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रेम दोनों के बीच का सेतु है। अगर तुम प्रेम पर हो तो तुम घबराना मत। अगर सिर्फ प्रेम की अनुभूति होती है और कभी कभी भक्ति के लिए प्रयास करते हो लेकिन नहीं अनुभूति होती और फिर काम में गिर जाते हो, तो भयभीत मत होना, तुम सही जगह पर हो। तुम सेतु पर मध्य में आकर खड़े हो गए हो। थोड़ी सी चेष्टा करो, बस एक छलांग और लगाओ और भक्ति की वो अविरल धारा तुम्हारे अंदर बहने लग जाएगी। ईश्वर तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। ध्यान की अनंत गहराइयों में डूबने लगोगे, उतरने लगोगे और अपने आप को जो अब तक कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, ऐसा जानने लगोगे, अपने अंतर में उतरने लगोगे। सब कुछ विलक्षण होने लगेगा तुम्हारे जीवन में। थोड़ा इंतज़ार और प्यास बनाए रखो, ईश्वर कृपा बरसेगी तुम पर, कृष्ण तुम्हारे अंदर बहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। आपका शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपका सखा, आपका सहगामी राजीव जोशी। सभी साधकों को मेरा विनम्र प्रणाम।